जमैका के प्रधानमंत्री एंड्रयू होलनीस भारत की यात्रा पर आए हैं। मंगलवार को उन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी से मुलाकात की और दोनों नेताओं की मौजूदगी में भारत और जमैका के बीच समझौता ज्ञापन का आदान प्रदान किया गया। पीएम मोदी ने कहा कि हमने दिल्ली में जमैका उच्चायोग के सामने की सड़क का नाम जमैका मार्ग रखने का फैसला किया है। प्रधानमंत्री होलनीस भारत के लंबे समय से मित्र रहे हैं। मुझे उनसे कई बार मिलने का अवसर मिला है और हर बार मैंने भारत के साथ संबंधों को मजबूत करने के लिए उनकी प्रतिबद्धता को महसूस किया है। मुझे विश्वास है कि उनकी यात्रा हमारे द्विपक्षीय संबंधों के साथ साथ पूरे कैरेबियाई क्षेत्र के साथ हमारे जुड़ाव को नई ऊर्जा देगी। पीएम मोदी ने कहा कि भारत और जमैका के संबंध हमारे साझा इतिहास, साझा लोकतांत्रिक मूल्यों और लोगों के बीच मजबूत संबंधों पर आधारित हैं। पीएम मोदी ने कहा कि भारत और जमैका एकमत है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद सहित सभी वैश्विक संस्थानों में सुधार आवश्यक है। इन्हें समकालीन रूप देने के लिए हम साथ मिलकर काम करते रहेंगे। प्रधानमंत्री होलनेस और उनके डेलीगेशन का भारत में स्वागत करते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है। आज पहली बार जमैका के प्रधानमंत्री की भारत की द्विपक्षीय यात्रा पर आए हैं, इसलिए हम इस यात्रा को विशेष महत्व देते हैं। प्रधानमंत्री होलनेस लंबे समय से भारत के मित्र रहे हैं। मुझे कई बार उनसे मिलने का अवसर मिला है और हर बार मैंने उनके विचारों में भारत के साथ संबंधों को मजबूत करने की प्रतिबद्धता को महसूस किया है। मुझे विश्वास है कि उनकी यात्रा से हमारे द्विपक्षीय संबंधों के साथ साथ पूरे कैरेबियन क्षेत्र के साथ हमारे एंगेजमेंट को नई ऊर्जा मिलेगी। फ्रेंड्स, भारत और जमैका के संबंध हमारा साझा इतिहास, साझा लोकतांत्रिक मूल्य और मजबूत पीपल टू पीपल टाइज पर आधारित है।